जीवन के आते ही जो पहली चीज तय होती है, लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, जिनकी तो हर रोज मिल जाती है। हर सुबह अगर आप सोकर उठें और आपको पता चले कि आप जिंदा हैं, तो शुक्र मनाइए परमात्मा का कि एक दिन उसने आपको और दे दिया है। कोई भरोसा नहीं किसी रात को सोए और सुबह उठे नहीं। आप जानते हैं संसार में हर रोज 2 लाख लोग सोते हैं, उठते नहीं हैं। इस संसार की डेथ जो रेट है उसकी एक भयंकर सच्चाई है। कभी कभी मन कुछ चीजों से बड़ा व्यथित होता है, आपको समझ आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अगले पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिले हैं जिसने जो अच्छे खासे लेवल पर, आत्मिक लेवल पर इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि लोगों का दुख नहीं देखा जाता, लोगों का दुख नहीं देखा जाता। घर का कोई अपना चला जाए तो लोग इतने भयंकर तरीके से दुखी होते हैं, इतना पिटते हैं, इतना रोते हैं, ये समझ में नहीं आता। काश इनको थोड़ी सी समझ दी होती किसी ने, तो ये डरते ना, ये इतने दुखी ना होते, इतने परेशान ना होते, ये मोह के बंधन ना होते, तो इनको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये मोह के बंधन क्यों पड़ते हैं और ये मौत का डर आखिर कब तक हम हर बार ऐसे ही डरते चले जाएंगे मृत्यु से? डरने वाली चीज है तो नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बड़ी भयानक है। जिसको नहीं पता उसके लिए मौत बड़ी भयानक है। मतलब सोच के देखिए, 1 मिनट के लिए बस आप अभी बैठे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, खाना पीना सब चल रहा है, सब मौज मस्ती, पता नहीं हजार हजार तरह की टेंशन, तनाव और न जाने क्या क्या, और सडनली सडनली कोई ऐसा खेल शुरू होता है जिसको ये समझ में नहीं आता। उसके बाद मृत्यु आप सीधे आपका सामना जो है ना, बस सीधे सीधे सामना जो है ना, जो ये शरीर था, जो जितना कुछ भी कमाया था, जितने कुछ भी सारे खेल पदार्थ, खाना पीना, ये जो महल माड़ियां, जिस छोटी छोटी चीजों के लिए तो दुखी हो के, चिंतित हो के, न जाने क्या क्या सोच के बैठा हुआ था, वो सारी की सारी बातें 1 मिनट में धराशायी हो जाती हैं। कितना बुरा लगता होगा, कैसा लगता होगा इंसान को। सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी बात की होती है ना, इसी बात की होती है, मृत्यु और क्या करती है। तो मृत्यु का डर क्यों, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्योंकि एक भयंकर ये जो खेल चल रहा है ना जीवन का, इस सच्चाई को कहीं ना कहीं हम इनकार नहीं कर सकते। एक तरफ एक पैदा हो रहा है, घर में किलकारियां गूंज रही हैं, और एक तरफ मौत का तांडव चल रहा है, एक तरफ मौत का तांडव चल रहा है, कितना भयंकर। मैं किसी जो शवदाह गृह होते हैं ना, मोर्चुरी जो होती है, शवदाह गृह, उसमें एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी हुई थी, उससे कल बात हो रही थी। तो जो जो उसने वो वहां की भयंकर कहानियां सुनाई, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। मतलब तो जिसके उसके लिए मृत्यु जो है ना, ऐसे मौत हर रोज कहता है कि दो दो तीन चार पांच, कभी कभी तो 6 7 8 मुर्दों को उठाकर वहां से वो लेकर जाना होता है वहां पर। कभी वो किसी की कैसे मौत हुई होती है, किसी की कैसे मौत हुई होती है, आप हमको क्या दिखता है? हमें तो सिर्फ एक न्यूज पता चलती है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ, फलाने में ऐसे मर गए। कहते आपको क्या पता चलता है? हमें पता चलता है मौत क्या होती है। जब वो उस लाश को सामने लेकर आते हैं तो आपको क्या लगता है? कोई कोई हमारी तरह नॉर्मल शरीर होता होगा, कटा फटा यहाँ तड़ा, माफी चाहता हूँ ये सब कहना बुरा लगता है, सुनना भी आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं होगी? कैसे वो इतना सुंदर शरीर, जिसके लिए इतना इतना कुछ किया, एक झटका, बस एक झटका, देखा कैसे कैसे लोगों के प्राण निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, 1 सेकंड में यो अभी तक थे और अभी अभी बस खत्म। अभी वो ओयो के जो फाउंडर हैं, उनके फादर साहब की डेथ हुई गुड़गांव में, 24वीं मंजिल से नीचे गिर के। 1 मिनट तक पहले उनको पता होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और 1 मिनट के बाद सारा खेल खत्म, सारा। कभी 3 दिन पहले अपने बेटे की शादी का जश्न मनाया था, मन की क्या अवस्था होगी, बड़ी तैयारियां, पता नहीं क्या क्या मन में चलते होंगी बातें। दुख होता है, क्षमा चाहते हैं, किसी को बुरा ना लगे, पूरी उनके प्रति सहानुभूति भी मन में फील होती है,
लेकिन दुख कितना होता है, पीड़ा कितनी होती है, कैसे होता होगा, क्या 1 मिनट पहले भी एहसास होता है हमारी मृत्यु का कि मैं मरने वाला हूं, नहीं पता चलता। तो मृत्यु एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में जिक्र करना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी याद आए बगैर इंसान चेतता नहीं, इसकी याद के बगैर इंसान को समझ नहीं आके देती कि मेरे साथ भी ये होने ही वाला है। इसलिए इसकी रियलिस्टिक पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी खाने पीने में हम कितने सारे लोगों को देखा है मैंने, खाने पीने में कितनी सारी उनके चॉइसेस होती हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ये वाली चीज मेरे को ज्यादा पसंद है, ये थोड़ी सी कम, ये ऐसे डाल दे, थोड़ा घी लगा दे, या थोड़ा मक्खन, या थोड़ी सी दही साथ में रायता, और ये पापड़, और ये अचार, और ये ऐसा और ये वैसा, और कितने सारे तिकड़म मतलब इंसान लगाता है जब तक जीवित है, मतलब एक एक चीज के पीछे कितनी सारी, नहीं, ये रेस्टोरेंट सस्ता नहीं है, ये महंगा है, ये ऐसा है, ये यहाँ पर ये नहीं मिलता, वहां पर वो बड़ा टेस्टी मिलता है, ये ऐसा कितनी नौटंकी करता है ये बंदा खाने पीने के पीछे, ऐसे कपड़ों के पीछे, नहीं, इससे कम रेंज के कपड़े हम पहनेंगे नहीं, हम ऐसा लेंगे, घर बनेगा तो अरे क्या 2 बेडरूम भी कोई दो घर होता है, कम से कम 4 बेडरूम तो होना चाहिए, फिर अपना खुद का ही हो, बंगलो बनाएंगे हम, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं मन में लेकर बैठा होता है। और फिर जैसे ये झटका आता है मौत का, ऐसे उठ के चल देता है, पता नहीं कहाँ गया वो सब, क्या आपको लगता है सारी कहानी खत्म हो जाती होगी, कुछ भी नहीं खत्म होता, कुछ भी नहीं खत्म होता। किसी शायर ने खूब कहा कि बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है, हम दुनिया में नहीं है लेकिन दुनिया को अपने भीतर लेकर घूम रहे हैं। आपको क्या लगा, हमें लगता है कि वो क्या बट फिजिकली आंखों से इनविजिबल हो गया तो बात खत्म होगी, लेकिन कहां उसके साथ क्या हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, कोई तो बताएगा ना। गरुड़ पुराण में जो स्टोरी लिखी है ना, उसके हिसाब से बड़ा खतरनाक वर्णन दिया है, सुनेंगे तो हैरान हो जाते हैं कि अच्छा आत्मा के साथ ये सब होता है। फिर लगता है कहीं ना कहीं मन अपने आप को समझा लेता है, अच्छा औरों के साथ होता होगा, मेरे साथ थोड़ी होगा, अच्छा मेरे साथ नहीं होगा। एकमात्र सच्चाई संसार में अगर कोई है ना, एकमात्र सच्चाई संसार में अगर किसी भी चीज की है तो वो मौत है, वेरी सिंपल, और कुछ है तय या नहीं है, राइट, कोई और कुछ तय है या नहीं है, तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत एक सच्चाई है और उसमें कोई ऐब नहीं, क्या लेके जाओगे यारो, कफन में कोई जेब नहीं। डेफिनेटली कोई कोई बंदा ये कह दे कि मैं ये लेकर चला जाऊंगा, और जब ने कहा है जिसने, कहने वालों ने, कि जब तेरी नजरों से दूर हो जाएंगे हम, दूर फिजाओं में कहीं खो जाएंगे हम, अंधेरों में कहीं खो जाएंगे, मेरी यादों से लिपट कर रोने आओगे तुम, जब जमीन को ओढ़ कर सो जाएंगे हम, सो ही जाएंगे एक दिन, तो सो ही जाएंगे, या वैसे सो जाएंगे वैसे सो जाएंगे, क्या होगा उस समय में हमारे साथ में। तो बात सीरियस है, सोचनी भी जरूरी है, जीवन और मृत्यु के इस खेल से परिचय होना भी जरूरी है। लोग कहते हैं इतनी जल्दी भी क्या है इन सब बारे में बातें करने की, जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी तो जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूछना तो आपसे ये पड़ेगा ना कि जीवन के एंड पे जाकर, जब ये मौत का खेल जब खत्म होता है, जो जीवन के एंड पे जब पहुंचते हैं, तो ये पूछा तो जाएगा ना कि अच्छा डेस्टिनेशन क्या था, यहाँ पहुंचे हो क्या करने के लिए आए हो, क्या वो करके आए जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था, हैव यू डन दैट, हैव यू डन दैट, क्या आपसे कभी हिसाब किताब नहीं पूछा जाएगा, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा कि भाई कुछ करके आए हो या ऐसे ही चले आए, कभी उसको जाना है, कभी उसको जाना जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता, न जायते म्रियते वा कदाचन, भूत्वा भविता वा न भूये, अजो नित्य शाश्वतो अहम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, क्या उसको जाना है या सिर्फ किताबों में बात पढ़ के रह गई कि हाँ गीता में ऐसा है लिखा है, लिखा तो है लेकिन हमने जाना, कहा कि नैनम चिन्तयन्ते शास्त्राणि, कहा तो है, कहा तो है, लेकिन क्या पता है। जात्से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, ये डेफिनेट है कि जीवन वाले की मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म जो अटल है अपरिहार्य है, उसके मरने में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, कहना बड़ा आसान है लेकिन जिस तन बीतती है उसी को पता चलता है, उसी को पता चलता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। तो समझते हैं इस बात को, इसके प्रोसेस जो इसके साथ जो घटित होता है प्रोसेस जो है, उसके लिए उसको हम थोड़ा सा और गहराई में, तो उस
कुछ ऐसा जाना जाए, ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर आने का कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे ये मृत्यु का खेल जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सके, इस मृत्यु के खेल से बाहर आया जा सके। लेकिन पहले एक बार ये समझ ले कि मौत का डर क्यों पैदा होता है, आखिर क्यों, व्हाई वी आर अफ्रेड ऑफ डेथ सो मच, क्यों? तो पहली बात है कि मौत के बारे में बात करने से भी इंसान डरता है, घटनाक्रम से भी डरता है, उसके बाद होने वाली चीजों से डर लगता है। अमरता किसी को भी हुई नहीं, जानना पड़ता है। तो मौत से भागने की हमारी जो आदत है वो हमारी एक क्षमता है कि हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो क्या होने वाला है, इसीलिए शास्त्रों में बताया गया, तो उस इस शरीर का अंत हो जाने वाला है। ये पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये उन्हीं में लीन हो जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी में समा गई, मांस हड्डी मज्जा जो बना हुआ है, मांस से बना हुआ शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है उसमें समाहित हो जाएगा। जल जल में समाहित हो गया, पवने में है पवन समाया, माटी में माटी मिल जाएगी और पानी में पानी समा जाएगा सारा। तो गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो है कि आत्मा अजर अमर है, पर हमारे लिए मृत्यु है क्या? क्या है वो अननोन एरिया जहां पर अब जाते हैं? तो इसके लिए क्या पूरी तरह खत्म हो जाता है? अब जैसे एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पर है स्टीव जॉब को मृत्यु जब आई, उनकी उसमें लिखा हुआ है उनके ऑफिशियल पोर्टल पे भी, समथिंग ही सेड, मतलब कुछ उसके उनके मुंह से निकला, ओ वाओ। एप्पल का जो फोन यूज करते हैं ना, उनके जो फाउंडर हैं, जब ये फाउंडर थे मतलब, तो स्टीव जॉब जब वो गए मृत्यु के समय में, ये वर्ड उनके मुंह से निकले थे, ओ वाओ, क्या बात है। कभी सुना है किसी को ऐसा करते हुए मृत्यु के टाइम में वो वाओ कर रहा हो? रेयर रेयर, अधिकतर लोगों की मृत्यु तो जो है ना वो बड़ी तड़पते हुए दुखी होते हुए होती है, अनेक तरह की पीड़ा भोगते हुए, शरीर को कैसे कैसे तकलीफें होती हैं, मन को कैसी तकलीफें होती हैं। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हुई अपार, बिच्छू 1,000 जो डंक लगे एक सार। ऐसा लगता है जैसे 1,000 बिच्छू ने एक साथ डंक मारा, ऐसा होता है। लेकिन कोई ऐसे भी मरते हैं जो वाओ कर उठते हैं उस समय, अरे ये क्या क्या ऐसा होता होगा। तो सबकी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी जैसी मृत्यु का मुंह भी उन लोगों को वैसा ही दिखाई पड़ता है जिसने जीवन भर जिस तरह के कर्म किए हैं, जिस चीजों के पीछे जीवन भर जिया है, जैसे ही उसके छूटने की बारी आएगी अकॉर्डिंगली आपके सामने मौत का वैसा ही मुख पैदा होगा। तो क्या मृत्यु के समय में सच में यमराज आकर खड़े हो जाते हैं? राइट, मृत्यु के समय में यमराज आके खड़े हो जाते हैं, या फिर लगता है कि कोई दिव्य शक्तियां आकर संभाल लेती होंगी, भगवान आते होंगे, गुरु आते होंगे, कौन आता होगा? जिसकी जैसी जहां भावना होती है उसके वैसे ही उसके साथ व्यवहार होता है, उसके साथ वैसे ही उसके उस उसके जो जिनके साथ भी जिसका प्यार होगा उसकी वृत्ति अपने आप उस तरफ वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। देखो हमारी आत्मा एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, जिस चक्र पर जी रही है ना उसी चक्र के हिसाब से आगे का रास्ता तय होना, आगे के रास्ते की जो उसकी उसी तरह की फ्रीक्वेंसी की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति जीते जी पूरी जिंदगी अगर वो शरीर की बातों पर ही जिया है, शरीर की बातों पर, मैं मेरे रिश्ते मेरे अपने, सबसे ज्यादा दुख इसको इनके छोड़ने से होगा, अपनों के बिछड़ने का दुख होगा, तो सारा जोर पड़ेगा हार्ट पर। इसलिए मोस्ट जो है डेथ होती है, जो नेचुरल डेथ होती है मोस्ट, वो हार्ट चक्र से होती है। सबसे ज्यादा लोग इस चक्र पर जी रहे हैं, यही जी रहे हैं। तो नीचे की यात्रा में रूट है, रूट मतलब जड़ तत्व हमारे शरीर का, डर में जो जी रहा है, फियर में जी रहा है, तो वो उसकी जो नीचे जाएगा तो टॉयलेट के जरिए प्राण निकल जाएंगे। जो जो थोड़ा उससे एक लेवल ऊपर उठता है थोड़ा सा, तो उसके बाथरूम के जरिए प्राण निकल जाते हैं। थोड़ा और ऊपर आता है मणिपुर चक्र के ऊपर जो जीरा होता है, तो उसके जो है वो पेट जो है अंदर की तरफ पिचक जाता है, प्राण निकलने का वो तरीका। जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर आप सबसे ज्यादा जिए हैं, उस पॉइंट पर पूरी चेतना इकट्ठी हो जाती है, पूरी कॉन्शियसनेस उस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है। और जो हृदय वाला है, अब जो हृदय के पर जिया है उसकी पूरी चेतना उस मोमेंट पे हृदय पर आकर इकट्ठी हो जाएगी। अब हृदय में भी आपका जो फिजिकल हार्ट है वो यहाँ है, चक्र जो है वो यहाँ है, तो प्राण जब निकलेंगे ना इसी चक्र से निकलेंगे यहां से,
तो सारे के सारे इमोशन सिमटने शुरू हो जाएंगे। और हृदय के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीजों को जिस जिस चीज से तुम्हारी अटैचमेंट होगी ना, उनको सामने लाकर खड़ा कर देगा। तो जिंदगी के आखिरी कुछ क्षणों में वो सारे सीन आंखों के सामने रिपीट होते हैं जो जिंदगी भर में आपने सबसे ज्यादा इमोशनल जिए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक एक बात याद दिलाता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं आपसे वैसे नॉर्मली पूछूं आपने परसों खाने में क्या खाया था, शायद आपको याद नहीं आएगा। लेकिन इमोशन की कोई बात याद करवाऊं, कभी टीचर ने आपको कभी किसी चीज के लिए थप्पड़ मारा था बचपन में, हो सकता है आपको बिल्कुल एकदम लाइव घटना याद हो, अब से 30-40 साल पुरानी भी घटना लाइव याद हो। हाँ, मेरे टीचर ने एक बार ऐसा ऐसा हुआ था, इस वजह से टीचर ने मारा था। वो इमोशनल चीज थी क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा था। वो घटना आपके दिमाग में अभी भी छपी पड़ी है। मृत्यु के समय में सारी कॉन्शियसनेस ना इकट्ठी होकर उस पॉइंट पर पहुंच जाती है और आपको उससे संबंधित सारी घटनाएं आपके सामने लगे खड़ी कर देती है। फिर देखा जाता है आपसे कि अब आप क्या करोगे। ठीक वैसे ही जैसे नींद में होता है, रात को सोते हुए लगभग उसी टाइप के सपने आते हैं जो आपने आखिरी कुछ टाइम में, जो आपका ध्यान अब इसी ध्यान जिस चीज पर भी रहा होगा। अब आप क्राइम पेट्रोल देखते हुए सोओगे तो आपको भगवान के सपने तो आएंगे नहीं, राइट? कुछ ऐसा उल्टा सीधा देखते हुए सोओगे तो जो आपके मन में चल रहा होगा अकॉर्डिंगली आपका मन उसको क्रिएट कर लेगा उसी चीज के हिसाब से, राइट? तो कोई व्यक्ति, इसीलिए हमारे यहाँ पर ना ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की बड़ी वो है। लोग पूछते हैं कि मृत्यु के समय, जैसे लास्ट में ड्रीम्स के बारे में जरूर पूछा था, अगर आप कोई बीमारी लेकर किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाए ना, अगर वो अच्छा मनोवैज्ञानिक है तो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि आपको सपने में क्या दिखता है, सपने किस टाइप के आते हैं ज्यादातर, किस टाइप के। उससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर कहानी क्या चलती रहती है। आप खुद अपने सपनों पे ऑब्जर्व करके देखना, पूरी इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाला हुआ है मैंने, किस तरह के सपने आपको क्या इंडिकेट करते हैं। रेंडम सपने आते हैं ऐसी बकवास, या कुछ काम के सपने आते हैं, कुछ खास डायरेक्शन मिलती है जीवन की, या कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, या फिर अनेक तरह की। तो वही बताते हैं कि जीवन भर इस व्यक्ति का ध्यान किस पॉइंट पर था। ठीक ऐसे ही मृत्यु के सामने घटित होता है कि जीवन भर इसका पॉइंट ध्यान जिस केंद्र पे था वहां पर पूरी चेतना इकट्ठी होगी। अब यहाँ पर आपके सामने वो सारी विजन क्रिएट करेगा। अब देखेगा कि मन मन कैसे रिएक्ट करता है। आप सोचिए, आप किसी बात पर सेंटिमेंटल हो गए, आपने कहा ओहो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, मेरा ढिमका, ये सब इनको छोड़ के जा रहा हूं मैं, ये छोड़ के जा रहा हूं, बस सारी चेतना यहाँ इकट्ठी होगी, इमोशन सामने, और लोगों की वहां पर आंसू निकल जाते हैं, सारी एनर्जी हार्ट पर इकट्ठी होगी और हार्ट चक्र पे इमोशन से ब्रूम करके बाहर, चेतना बाहर। अब हार्ट सिंक हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो डॉक्टरी कारण जो मर्जी हो, लेकिन अचेतना जो है ना पूरी यहां से केंद्रित हो गया, यहां से बाहर निकल गई, केंद्र है यहाँ पर निकलने का। तो ऐसे हर एक का चेतना का अलग अलग सेंटर, जो कि थोड़ा सा ज्ञान चक्र में जी रहा है तो वो यहां तक पहुंच जाएगा, वहां पर आके मेरे जीवन का पर्पज क्या है, अब मेरे को गुरु दिखेंगे, भगवान दिखेंगे, ऐसा मन में कोई भाव होगा, किसी विरले का ऐसा होगा जीवन भर जो जिस चीज के लिए जिया जिया है उसको वैसे ही भाव सामने आएंगे। तो इसके लिए जरूरी है इसको क्लियर करना कि अंततः अंततः आखिर इस बात को समझना कि आखिर इस जन्म मरण के चक्कर चक्कर से छुटकारा हो कैसे। पता तो लगना चाहिए ना कि आखिर हमारे आत्मा का जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटे। तो ये आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरी क्वेश्चन है, ये इस छुट चक्कर से छुटकारा हो कैसे। अब कबीर साहब जैसी हस्ती जब बात करते हैं ना, ये बात करता है कि मौत सबकी होगी, कहते हम ना मरी हैं संसारा, दुनिया मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु होती नहीं है फिजिकली, लेकिन कुछ ऐसा इनके पास है जो ये बुलवाने पर मजबूर करे कि हम ना मरी हैं संसारा। हमको मिला जियावन हारा, हमें वो मिल गया जो हमें, जिसने हमें परमानेंट जीवन प्रदान कर दिया है। अब परमानेंट जीवन कैसे प्रदान होगा, इसने कुछ ऐसा जान लिया जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनम क्लेदयन्त्यापि नैनम शोष्टि मारुत है। वो उसी की बात कर रहे हैं, हमको मिला जियावन हारा, मेरे गुरुदेव ने मुझे वो आत्म तत्व दिखा दिया है जो कभी मरता नहीं। क्या आपको दिखा दिया है? हम ना मरी हैं संसारा, आप बोल सकते हो ये वाली बात? अगर बोल सकते हो तो बोलो। साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे। साकत मतलब जो परमात्मा से परिचित नहीं है,
उनको साकत वर्ड यूज करते, साकत मरी है, संत जन जीवे, संत जीते हैं, भर भर राम रसायन रसायन पीवे, हरि मरी है तो हम हूं मरी है, अगर परमात्मा मर गया कहते तब हम मरेंगे, हरि ना मरे हम काहे को मरे, क्योंकि मेरा मन परमात्मा में हरि में लीन हो गया। अब कबीर मन निर्मल भया, कबीर साहब कहते परमात्मा का नाम जाप कर करके मैंने अपने आप को इतना प्योरीफाई कर लिया है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कहते पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर, ऐसा मेरा मन निर्मल हुआ परमात्मा की भक्ति करके, वो मैंने परम कार्य कर लिया जिसने मुझे ये समझा दिया कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं काहे को मरूं, मरे दुनिया, ऐसा नहीं है कि उनको कोई दुनिया से कोई दुश्मनी है, कोई नाराजगी है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो इस बात के बड़ा खिलाफ है कि मृत्यु का डर क्यों। वो हस्ती हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं, तो जरूर इस पे समझ हमारी डिवेल्प होनी चाहिए ना, मृत्यु का डर क्यों, राइट। तो डेफिनेटली बात समझ में आनी चाहिए, तो इसीलिए धीरे धीरे इसको अपने जीवन को इसके ऊपर प्रयास करें कि तो इसको इसको अपना प्रयास करें कि अभी जीते जी इस परम तत्व को जान पाए, हम ना मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे, हरी मरे हैं तो हम हूं मरे, हरि ना मरे हम काहे को मरी हैं, कह कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भया सुख सागर पाया, कहते मेरा मन उससे मिल गया, अब अमर भया हूं, सुख का सागर मैंने पा लिया है, अब मैं जानता हूं कि मरेगा कौन, मैं ना मरता, मरेगा शरीर बेशक मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। ये कबीर साहब जैसी महान हस्ती बोल, आप कह सकते हो कि मैं नहीं मरूंगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, कि हमें लगता है कि हम शरीर मरेगा लेकिन हम नहीं मरेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इसी आत्मा से जुड़ रहे हैं, हम अपनी आत्मा के बारे में जान पा रहे हैं, हम कह कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भया सुख सागर पाया, ये कबीर साहब जी की पावन वाणी है और बड़ी सुंदर और पवित्र वाणी है। ऐसे ही जो अन्य संतों की वाणियों में भी उसी का जिक्र आता है, जैसे संत रविदास जी, संत रविदास जी जिक्र करते हैं, हम बेगमपुरा शहर को नाओ, जिक्र करते हैं कि मैं एक ऐसे शहर को जानता हूं जिसका नाम बेगमपुर है, जहां कोई गम कोई मृत्यु कोई डर पहुंच ही नहीं सकता, मैं उस देश का वासी हूं, मुझे पता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं उस देश का वासी हूं जो जहां पर जो सदा सदा के लिए जहां पर मैं जीवित रहूंगा, मैं उस देश का वासी हूं। ये अब जिसकी बात है उसको बात समझ में आती है, उसको पता है कि उसको लिए परमानेंट ठिकाना परमात्मा ने बना दिया, मृत्यु के बाद का सत्य उसे पता है। एक बार हमारे गुरुदेव ने हमें भी ये सारा प्रोसेस दिखाया था, मृत्यु के बाद की घटना पूरी दिखाई, कैसे घटित होती है ये मृत्यु और फिर आगे की यात्रा क्या होती है। अब जिसको जिसको कहा जाता है कि यहां से यमपुरी तक की यात्रा वास्तव में बड़ी कठिन है, वो बड़ी कठिन है, और कहा जाता है कि आम जीवात्मा को जो है वो कुछ 12,50,000 किलोमीटर की यात्रा है लगभग, ऐसा उसमें लिखा है, 12,50,000 इतने किलोमीटर की यात्रा खींच खींच के ले जाके करवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति संसार में अटैचमेंट होती है, वो बार बार दौड़ता है संसार की तरफ, उसको पकड़ पकड़ के लेकर जाते हैं यमदूत, और ये यात्रा एक आम इसलिए बड़ी कठिन होती है, इसलिए चेतना बड़ा जरूरी है, जागना बड़ा जरूरी है। काम इंसान को क्या समझ में आती होगी ये बातें, ये हमारे गरुड़ पुराण की लिखी हुई बातें, कुछ भी मन से नहीं बोल रहा हूँ, और जो जो भी कह रहा हूँ गुरुदेव ने उसका प्रूफ दिखाया कि देख होता है सब कुछ, ये मत सोच कि है नहीं, है, यमदूत भी है, यमदूत भी आते हैं, यमराज भी आते हैं, वो काले भैंसे वाली स्थिति भी आती है, वो बड़ा खतरनाक होते हैं। अब जिसके जिसका संसार में अटैचमेंट है उसके लिए वो काले भैंसे वाले यमराज ही तो दिखाई पड़ेंगे, और जो मार मार के जब लेके जाते हैं ना, क्योंकि वो जीव जाने को तैयार नहीं होता, उसकी आत्मा को खींचते हैं बार बार शरीर के अंदर से, फिर बढ़ जाता है स्थिति, गुरुदेव ने हमें दिखाई हुई है कैसा होता है, देख देख कैसे ये वो खींच खींच के बार बार शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो कोड बंदी होती है ना सिल्वर कोड, ये टूट जाती है उस समय में। सिल्वर कोड एक ऐसी तार है, झीनी सी पतली सी तार, जो हमारे फिजिकल बॉडी हमारे और हमारे एस्ट्रल बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है। ये मणिपुर चक्र से
सभी चक्रों से बंधी होते हैं, लेकिन मणिपुर पे ज्यादा स्ट्रोंगली ऐसे बंधी होती है, जैसे जैसे बच्चा माँ के नाभि से जुड़ा होता है ना ऐसा। तो ये मणिपुर चक्र मतलब नाभि चक्र से ऐसे जुड़ी होती है। तो जब ये मृत्यु होती है तो ये कोड कट कट हो जाती है। उसके बाद एक बार एक कोड कट हो जाए ना, बस फिर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, फिर ये मृत्यु का कोई मतलब दिस इज गोन। अब ये जिसको शरीर से अटैचमेंट है वो इसी शरीर के आसपास चक्कर लगाता रहता है, उसको लगता है कैसे भी करके इसमें एंटर कर जाओ, क्योंकि उसको शरीर के साथ ही कंफर्टेबल है, बाकी तो उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो डर लगता है उसको बाहर की दुनिया में, तो वापस शरीर में एंट्री मारता है, लेकिन यमदूत उसको खींच के बाहर ले जाते हैं और फिर ऊपर की यात्रा पर लेके जाते हैं। और रास्ते में जो भूख प्यास से व्याकुल होता है, फिर कहते हैं पिंड दान करो, यहाँ जल पिलाया होगा तो उसको जल मिल जाता है, यहाँ दान पुण्य किया होगा तो उसको खाने को मिल जाता है। तो ये एक एक चीज इसीलिए इस जीवन को जीते हुए जरूरी है ना। आज हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, अरे पहले अपना पेट तो भर लें। आपको एक एक चीज जो है ना, ये यूनिवर्स आपको इसी बात के लिए काउंट करता है कि दूसरों के लिए आप कितना जिए, क्योंकि आपके जीवन के जो परम लक्ष्य है ना, उन्हीं लक्ष्यों के ऊपर बात की जाती है, उन्हीं लक्ष्यों पर बात की जाती है। तो क्या होते हैं पर्पस? पर्पस याद करने बहुत जरूरी है, तो याद करवाया जाता है क्या होता है जीवन का उद्देश्य। तो जीवन का उद्देश्य याद दिलवाया जा रहा है एक बार पुनः। जीवन का उद्देश्य क्या होता है? पहला, खुद को जानना, आत्मा को जानना, उसको जानना जो मरता नहीं, अपनी क्षमताओं को, काबिलियत को जानना, हर दुख आपको स्ट्रांग बनाकर जाता है, खुद को जानना, ये पर्पस है। भूल मत जाना बार बार याद दिला जाता है, इसलिए जिसको मौत याद है उसको जिंदगी का पर्पस भी याद आएगा। दूसरा, अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना, पृथ्वी पर आने का पर्पस था, क्या पूरा हो रहा है? हो रहा है, मानोगे कि नहीं मानोगे, हिसाब किताब तो हो ही रहा है, तो कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है सभी का। प्यार से निभा कर जाना सबके साथ, जितने प्यार से निभा कर जाएंगे दोबारा उस व्यक्ति के साथ इनकाउंटर नहीं होगा जिंदगी में कभी भी। लेकिन अगर किसी रिश्ते को तोड़ मरोड़ के, दुखी करके, वो करके किया ना, तो फिर ये बंदा दोबारा जीवन में आएगा। तो ध्यान से फिर सृष्टि के नियमों को जानना, कर्म का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, इन चीजों को समझना, ये भी पर्पस था। चौथा, लोगों की सेवा करना, ये पर्पस था। तन से, मन से, धन से, निरहंकार भाव से, सेवा के साथ साथ धन्यवाद भाव, ये आपका पर्पस था इस धरती पर आने का, याद दिलवाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे वही हिसाब होगा। कुछ किया, वो पूछते हैं पर्पस पूरा किया? अगर किया होगा तो वो तो यमदूतों के पाले ही नहीं पड़ेगा। जिसने अपने जीवन में अपने आत्मा को ही जान लिया, उसको यमदूत आकर नमस्कार करके जाएंगे, आशीर्वाद लेकर जाएंगे उसके कि धन्यवाद, एक नजर जरा हमारे ऊपर भी कर ले, मेरे गुरुदेव ने दिखाया। अब आप विश्वास करें ना करें आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुदेव ने दिखाया कि देख। अब जब सदगुरुदेव भगवान साथ चले तो यमराज ने आकर नमस्कार किया, गुरुदेव के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, प्रभु क्या आज्ञा है? गुरु महाराज जी जहां जाए सब विराट, ऐसा अपार दैदिप्यमान उनका उनका जो ऑरा है आभा मंडल, जहां गुरुदेव पहुंचते हैं वो चारों तरफ ऐसे हरियाली फैल जाती है, मतलब इतना प्रकाश। उस गहन अंधकार में भी गुरुदेव ने दिखाया कि देख, ये देख क्या हालत होती है यहाँ पर। और नरक होते हैं, कुंभी नरक भी होते हैं, सारे तरह के नरक होते हैं, जहां पर बुरी बुरी आत्माओं को बड़ा बुरी तड़पाया जा रहा था। और ये मत समझो कि होते नहीं है, वो सिर्फ बातें हैं, गरुड़ पुराण में लिखी हैं, 26 तरह के रौरव नरकों का जिक्र आता है, वो भी होते हैं भयंकर वाले। और जो तेल के कढ़ाई में डालना होता है ना, वो वास्तव में वो होते हैं। अब कोई व्यक्ति जब समझेगा ही नहीं, मैं एक आम इंसान की बात ठीक है, अब सोचो जितने इतने भयंकर पाप किए होंगे, अब वो उस लड़की को मार के उसके इतने टुकड़े वुकड़े कर दिए, सोचो क्या परमात्मा इसे बख्श देगा? इस संसार की अदालत में बेशक वो हजार तरह के पैसे वैसा डाल के हजार तरीके से अपने आप को बचा ले, परमात्मा की दरगाह में जब जाएगा, हिसाब किताब जब होगा, क्या उसकी आत्मा चीख चीख कर उसे उसका अपना बदला नहीं लेगी? बोलो, होगा कि नहीं होगा? सब बदले लिए जाते हैं। कोई ये ना समझे कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तुम किसी को भी चीट कर सकते हो, यहाँ चीजें खरीदी जा सकती हैं। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, बहुत पावर हो सकता है किसी चीजों का तुम पे असर ना हो, लेकिन उसके दरबार में किसको खरीदोगे, किसको खरीदोगे? एक एक चीज का जब जब हिसाब किताब होता है, तो गुरुदेव बता दिखा रहे हैं, देख ये सब भी होता है, कोई ये ना कहे कि ये नहीं होता, स्वर्ग भी है, नरक भी है, यमराज भी है, ये भी होती हैं चीजें। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं सारा हिसाब धरती पे होता है, होता है, अधिकतर हिसाब धरती पे होता है, लेकिन कुछ महाभयंकर जो पाप होते हैं ना, तो उनको जेल में डालना होता है। नरक एक टाइप की जेल है,
इनको सुधार के ही धरती पर भेजेंगे, नहीं तो धरती के लोगों का जीना आराम कर देंगे ये लोग। आर यू गेटिंग इट? इसलिए कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अब जो इतने गंदे माइंडसेट वाले लोग होते हैं, मतलब उनकी सोल जब जाती है तो क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? आप खुद बताइए, इतने जो, क्षमा चाहता हूँ ये बातें बोलते हुए, इतने लोगों की मर्डर करके जो लोग गए हैं, या रेप वेप करते हैं, या ऐसी किसी की, किसी को इतना तड़पा के जब ये मरते होंगे, क्या परमात्मा हिसाब नहीं करता होगा इनका? क्या इनको ऐसे छोड़ देता होगा, जाओ तुम धरती पर दोबारा जन्म लो और दोबारा से लोगों की जिंदगी को नरक बनाओ? नहीं, उनको बहुत 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 मार पड़ती है, और बहुत अच्छे से सुधार सुधार के कूट कूट के मारा जाता है। जो जिक्र है ना, गरुड़ पुराण कभी पढ़ लेना ताकि समझ आ जाए आपको मेरी बात क्या हो रहा है। तो पूरा जिक्र विस्तार से आता है, और उनको वैसे ही सजाएं भी होती हैं, तड़प रहे होते हैं। गुरुदेव ने दिखाया सुनाया, चीख पुकार सुन इनकी, पता चले तेरे को भी। मैं किसी को बोल सकता, प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने देखा हुआ है। ऐसा भयंकर वो नजारा जो है ना, कांप जाए एक बंदे की रूह जो है ना उसको देख के भी। वो चीख रही है, चिल्ला रही है उसको। अब तो गुरुदेव ने अपने ऑरा को लॉक करके, मतलब बंद करके रखा हुआ था, नहीं तो अगर अब वो अपने दधिप्यमान रूप में आ जाए तो उनके जाते ही नरक स्वर्ग बन जाए। अगर उस जगह पर वो अपने, उसने नुरानी रूप में किसी नरक में भी एंटर कर जाए तो उनके जाते ही सब चीजें मुक्त हो जाए, सब आत्माएं मुक्त हो जाए। इतनी इतनी गजब की पावर होती है। लेकिन वो अपने आप को समेट के जाते हैं थोड़ा, क्योंकि कुदरत के विधान में वो इंटरफेयर नहीं करते, प्रकृति के विधान में, जबकि कोई इनके शरणागत क्यों ना हो जाए। अब मैंने वो स्टोरी भी आपको सुनाई थी, याद कीजिएगा, जिसने भगत ने कुछ दिन पहले, फिर उसने कहा कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। वो स्टोरी सुन लेना, अभी अभी पूरी स्टोरी बताई नहीं जा सकती। तो उसने जब पुकारा तो प्रभु को नरकों में उसके लिए जाना पड़ा गुरुदेव को, और फिर वहां से अपनी आत्मा को निकाला, नेकबल उसे निकाला, बल्कि दया और करुणावश अनेकों का कल्याण कर दिया। ये एक भक्ति की पावर है। तो वो भक्ति जो है ना, अल्टीमेट सबसे बड़ी जो चीज, यही भक्ति, यही परमात्मा के नाम का जाप अल्टीमेट है। वो समस्त पापों को नाश करने वाला अघनाशक, उसी नाम को कहा जाता है। तो उस परमात्मा के नाम का जाप करना, आत्मा और परमात्मा को जानकर परम आनंद को प्राप्त करना, ये हमारी आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर बाकी चीजें ना भी करी ना, उनको कहीं ना कहीं माफ किया जा सकता है। अगर ये ना किया, ये ना किया, तो फिर कहते से परत दुख पावही, सिर धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर परमात्मा को, फिर जब उस परमात्मा के द्वार पर ले जाया जाता है ना, फिर ये बड़े दुख होते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। फिर वो दोष लगाते हैं, टाइम नहीं मिला जी, ऐसा नहीं हुआ जी, वैसा नहीं हुआ जी, बड़े दुख हुए, फलाना हुआ, ऐसा हुआ, तो इसके लिए दिक्कत हो। फिर बाद में फिर कितने भी वो दोष देता फिरे, लेकिन फिर किसी के दोषियों के दोषारोपण चलते नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा के नाम का जाप सर्वोपरि है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझा विरला कोई। तो इसीलिए उस नाम को गुप्त रखना जो आप जपते हो, सबको नहीं बोला जाता, जो जपा जाता है उसे गुप्त रखने को इसीलिए कहा जाता है, ताकि वो बीज अंदर पड़े तो वो गहरे तक, अंदर तक बदलाव लेकर आए। राम नाम सबको कहे, नाम न चीने कोए, नाम चीने सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। जिस नाम को, जो नाम सतगुरु से प्राप्त होता है, वही नाम नाम कहलाता है। नाम रतन धन मुझ में खानी, खुली घट माही, सेत मेत ही देत हूँ गाहक कोई नाही। कबीर साहब जी की पवित्र वाणी है, बड़े प्यार से जिक्र कर रहे हैं कि अगर मुक्ति चाहिए मेरे भाई, तो इस परमात्मा के नाम का श्वास श्वास में जाप कर, और फिर रह रहे दर गए कहे ना कोई, आओ बैठ आसन सब देव। ऐसी भी मृत्यु होती है जिसने जीवन भर नाम की कमाई कभी करी होती है, मृत्यु के फरिश्ते नमस्कार करते आकर, धन्य भाग जो आपके दर्शन हो रहे हैं आज। आज मृत्यु हो रही है, मैंने देखा है वो समय भी, मैंने उसका, उनका भी जिक्र किया है कि एक मेडिटेटर, एक ध्यान कर ध्यानी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, तो ध्यानी व्यक्ति की मृत्यु संजीव मलिक के नाम से ढूंढ लेना, बड़ा विस्तार से वीडियो में बताया कि मेडिटेटर जब मरता है उसकी क्या गति होती है। तो उसकी मैंने खुद वो अपने आंखों का, गुरुदेव ने बचपन से इन चीजों में इंटरेस्ट था, तो किसी के बारे में मृत्यु के बाकी फलाने की एंड अंतिम समय नजदीक है तो पहुंच जाया करते थे कि हाँ लेट मी सी कि क्या होता है। अभी भी लोगों के बारे में पूछता हूँ कि कोई भी बात होती है, अच्छा मृत्यु के अंतिम समय में क्या अवस्था थी जरा बताना। उससे पूरी जिंदगी की कहानी समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति किस अवस्था में जिया होगा मृत्यु के समय, जिस जैसे वो गया। तो वो ऐसे लोगों को भी जाना जिनके जाने से पहले
जिसके जाने से पहले पूरा स्वर्ग लोक तक जो है ना वो देवते हाथ जोड़कर खड़े हैं कि उस व्यक्ति की आत्मा ने यहाँ से प्रस्थान करना है, तो इनको नमस्कार करने के लिए फूल लेकर रास्ते में खड़े हुए हैं देवी देवता। जिन देवी देवताओं के आगे हम सर झुकाते हैं वो हाथों में फूल लेकर रेड कारपेट बिठाकर बैठे हुए हैं कि कब वो महान आत्मा यहाँ से जाए, मुक्त आत्मा जाए यहाँ से, क्योंकि उसने वो पा लिया है जो देवी देवताओं को भी नसीब नहीं है। स्वर्ग नरक ते मैं रहो सदगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। तो चरण कमलों की मौज में रहता हूं, आनंदित होता हूं, राइट। तो बड़े प्यार से बड़े ध्यान से जो है वो आनंद पूर्वक जो है वो आत्मा जो जब जानती है कि किस प्रकार से जिसने जिसका जिसने उस परमात्मा को जीते जी इस सच्चाई को याद रखा कि मेरी मृत्यु होनी है और उसके लिए मेहनत करी, फिर उसके लिए फिर कोई टेंशन पर समस्या नहीं है, उसके लिए मौत कोई भी नहीं है। फिर कहते हैं कौन कहता है कि आशिक मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए, जिस मरने से जग डरे, कबीर साहब फरमाते हैं मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। जहां लोगों की घिग्गी बन जाती है मौत के बारे में बात करना, किसी को वैसे राह चलते बोल दो राम नाम सत्य है, लोगों के आंख कान खड़े होते हैं, क्या बोल दिया इसने, राम नाम सत्य मतलब क्या, डर जाते हैं लोग इस बात को सुनने से। अभी मौत की तो बात छोड़ दो, राम नाम सत्य सुन के लोगों की घिग्गी बन जाती है डर के मारे। तो जिस मौत का कोई जिक्र भी नहीं करना चाहता, गुरुमुख उसी मौत को पार करते हुए अपनी आत्मा अपने प्यारे प्रीतम भगवान से जाकर मिलते हैं। तो इसलिए मौत से डरने की बजाय अभी और यही जब तक जीवन है परमात्मा के नाम से प्रीत लगा लो, मौत का डर स्वमेव समाप्त हो जाएगा। कैसा डर, कहाँ डर, हम ना मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावनहारा, मरे जिसको मरना है हम काहे मरे, ये ऐसा कहने वाले भी हैं। तो धन्य भाग मनाओ कि जीवन में रहते हुए बात की समझ आ गई है। सबको कहाँ समझ में आती है, कोटि कोटि शुक्राना करो गुरु महाराज जी का, अपने सद्गुरुदेव भगवान का, जिन्होंने बातों को हृदय में अभी से, जिसने मेडिटेशन करके आत्मा के साथ जोड़कर शब्द के साथ जोड़कर गुरु ने नाम दान दे दिया, उस नाम का जाप भी करवाया, उसके मन में प्रेरणा भी डाली। केवल गुरुदेव ऐसे नहीं है कि आपको नाम देकर चलो कोने में देखते हैं तो क्या करता है, वो मन में नाम जपने की प्रेरणा भी पैदा करते हैं, समझाते भी हैं, सत्संग भी देते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने 5 नियम बता दिए, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान, सारी बातें मिक्स करके बोलो अब करो, गुरु की आरती उतारो, प्यार बना रहेगा, तुम गलती कर सकते हो गुरु गलती नहीं करते। श्री आरती पूजा सेवा करो, तन से धन से मन से संसार के लिए जो कर सकते हो वो करो, और सत्संग, ये सत्संग ही तो है जो आपको याद दिला देता है। मन जब मौत की बात सुनता है ना सारी बातें भूल जाती हैं, जो अभी तक बड़े बड़े प्रपंच डाल के बैठा हुआ था, अब देखो अपने मन की अवस्था, जो अभी तक बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे संसार में, ये इतना बड़ा छोटा घर है बड़ा करवा लेंगे, गाड़ी एक है दो ले लेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे वहां घूमने, सारे प्रपंच धरे के धरे रह जाते हैं जब मौत की बात आती है। तो होता है कि नहीं होता है बोलो, तो मौत की बात आती सारी बातें समझ में आने लग जाती हैं। इसलिए जरूरी है जिक्र करना, वरना ये अपने शब्द अपने इन इस पाखंडों से बाहर नहीं आ पाएगा, इसको समझाना जरूरी है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, किराए के क्वार्टर को कब तक संभाले जो घर का मालिक तुझको निकाले, जब आके खड़ा हो जाएगा ना यमदंड लेकर निकालेगा खर खाली शरीर को, तो फिर पता चलता है कि कितना कैसे इस झूठे शरीर को अपना बनाकर बैठा हुआ था, कैसे झूठे शरीर को अपना बनाकर बैठा हुआ था। तो ये अटैचमेंट जितनी कम कर दो अभी से उतना अच्छा है। इसलिए मैं कई बार रिश्ते रिपेयर ध्यान करवाता हूँ, याद करना, कर लेना अगर नहीं किया तो। रिश्ते रिपेयर का मतलब है लास्ट में अपने सारे रिश्तों को समर्पित कर दो, तो अभी से, इससे पहले कि वो घटना मौत के टाइम में घटी, तो अभी से सारे रिश्ते समर्पित कर दिए, अभी से। वो यो घटना घटनी ही है, एक दिन अवश्यंभावी है, होना ही है, इन सभी को आज से नमस्कार कर दो कि भाई मेरी तो विदाई है, तो अपने श्राद्ध जो है ना यहीं पे भी कर जाओ, हिसाब किताब, कोई संसार के प्रति अटैचमेंट खत्म हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं आपकी कोई आडंबर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मन से जो अटैचमेंट है ये खत्म हो जाए, और जिसके मोह बंधन खत्म हो जाए तो फिर बात क्या, फिर काहे की टेंशन है, फिर
पलटू साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, कमाल गजब की चीज क्या है अल्टीमेट। मैं आपको ये भी पूरी बात बता ही दूं, पलटू साहब जी अपनी वाणी में, ये पलटू साहब जी की पवित्र वाणी है, बीज वासना को जरे तब छूटे संसार, जैसे मन से वासनाएं खत्म होगी, डिजायर खत्म होगी, संसार छूट जाएगा। बीज वासना का जरे तब छूटे संसार, तब जो छूटे संसार जगत से प्रीत न कीजिए, लोभ मोह को जार सत्य पद मारग लीजिए, मारग मारे भूख प्यास जगत की करे ना आशा, काम क्रोध को जार सब तजै सब भोग विलासा, सदा रहे निवृत्त चित्त ना अंत जावे, मन को ले वे फिर भजन में जाए लगावे, पलटू हिरण के कार ने जड़म उड़मत लिया अवतार, बीज वासना का जरे तब छूटे संसार। एक हिरण की वासना मन में रह गई थी तो उड़मत्त जो है ऋषि को दोबारा से जन्म लेना पड़ गया था, हिरण के रूप में आना पड़ गया था। कहते अगर मन में वासना नहीं तो ये दोबारा संसार में नहीं आएगा, मतलब किसी भी तरह की डिजायर, वासना का मतलब है किसी भी टाइप की डिजायर, इच्छा। इच्छा खत्म करते हुए संसार के लोगों से अपने मोह को खत्म करें तो बड़े प्यार से मृत्यु भी आनंदमय होगी, संसार तो आनंदमय होगा ही होगा। तो अभी भी परमात्मा ऐसा नहीं कि गुरु महाराज जी उदासीन करके, डिप्रेशन में ले जाकर परेशान करके, ये सारी बातें जो संसार को दुखी करती हैं, गुरुमुख सदा, मेरे गुरु महाराज जी ने फरमा दिया, गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, सीधा सीधा फरमा दिया, अंतिम बात कह दी, गुरुमुख सुखी है, सुखी है, सदा सुखी है, उसको पता है, वो जानता है, इस वो जिस बीज वासना को पलटने की बात वो कर रहे हैं, उसके पास वो नाम का धन है। मेरे गुरुदेव ने फरमाया, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जो बन फल पाका भूई गिरे चंद बहुर ना लागे डाल। फिर एक दो फिर फरमाते, जग में जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। यही नाम गुरुदेव ने दे दिया है, दे दिया है, श्वास श्वास में जपो, आनंदित लो। अभी बोला ना, गुरुमुख जीवे साकत मरे, साकत जन जो है वो मर जाता है, साकत जो ना परमात्मा को याद नहीं करता, भर भर राम रसायन पीवे, वो जीता है बड़े आनंद से, प्रेम से राम परमात्मा के नाम का रसायन पीता है, आनंदित होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो मकसद है याद दिलाना अपने जीवन के पर्पस को, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। परमात्मा दया करे, गुरुदेव दया करें, हमें जीवन की समझ आ जाए, जीवन में रहते हुए अपना काम करके संसार से बड़े आनंद पूर्वक जाए, मस्ती से जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बात समझ में आ गई होगी। तो सुबह शाम मेडिटेशन, श्वास श्वास में परमात्मा का नाम जप, व्यर्थ की चिंताओं से, बड़े बड़े आडंबर करने से भीतर सिमट जाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। मौत को याद रखेंगे तो परमात्मा याद रहेंगे। नार दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर मौत याद रहेगी तो भगवान भी जरूर याद रहेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिन्होंने नहीं किया अभी तक जरूर लाइक कर दें ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके।